टी कॉफी कोक कोक। ये वीडियो में दिखाए जाने वाले कुछ पेरेंट्स बेशक बाद में सुधर गए होंगे, क्या मजाक है, पर याद रखना टॉक्सिक इंसान को सब अपनी लाइफ से बहुत बड़े वाला कांटा मार देते हैं। सो बी केयरफुल एंड स्प्रेड लव। उनके सामने कैसे मुस्कुराएगी? शाबाश। संजना की मॉम यानी सुशीला वॉज सो सेल्फिश। आने दो सरा पापा की परी को। एंड ऑल्सो शी वॉज अ हार्टलेस बिच। संजना और लव भैया की दूर अमेरिका से सेटिंग करवाई होती है। अगर संजना का रिश्ता यहाँ हो जाए तो बस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये रिश्ता हो जाए बस, बिकॉज प्रेम वॉज रिच एंड हैड अ ग्रीन कार्ड। इतना अमीर इज्जतदार घर परिवार घर बैठे ही मिल गया। शी फोर्स्ड हर डिसीजंस ऑन टू संजना। इसकी तो एक नहीं चलने दूंगी। ऐसे क्या देख रही है, तेरी शादी प्रेम कुमार से ही होगी बस, और आप उनके सामने कुछ नहीं कहेंगी, समझी? चक्कर तो देख, धीरे धीरे सब पसंद आने लगेगा। द फ्लॉन्टिंग क्वीन, वो चांदी की थाली में ही खाएंगे। वैसे अंकल आपका क्या बिजनेस है? बहुत बड़ा बिजनेस है। और बाद में उसको प्यार हो जाता है। सुशीला को पता चलता है कि ही इज रॉन्ग। लव भैया, यहाँ प्रेम बाबू की जगह कोई बहरूपी आ गया है। क्या कह रही हो मम्मी? एंड सडनली शी टर्न्स इनटू अ डबल फेस्ड आंटी। आ गया कमबख्त। संजना कहाँ है आंटी? वो बाहर गई है। गरम गरम मेथी के पराठे, राइट? नहीं, जब देखो मुंह मारता फिरता है। मतलब ये अगर गलत प्रेम है तो उसको पराठा भी नहीं दोगी क्या? नहीं। और फिर आता है वो मोड़ जब हर माँ अपनी बेटी को ठस्से में ले जाके पूछती है एक बहुत ही पर्सनल सवाल। तू इतने दिन उसके साथ घूमी फिरी, क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ वैसे सही तो बात है, तुमने मचाया वचाया थोड़ी है अभी तक। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस दिल ही तो दिया है, प्यार ही तो किया है, फिर से कर लेना। चुप कर। पर अब एक अमीर और एक ग्रीन कार्ड वाले लड़के से करना। खानदानी है इससे दौलत क्या नहीं है। ओके ये सही है, पहले खुद चेप करवाया। क्या अपना घर समझ कर बेझिझक कभी भी आ जाया करो। नो वरीज आंटी। जबरदस्ती प्यार करवाया, आज से जो तेरा सब उनका। और अब जब हो गया प्यार तो फिर खुद बोल रही है। और संजना तो उसे दिल दे चुकी है। आप संजना को समझाइए ना कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। सॉरी सॉरी। हाँ बेटा, लड़का है तो गलत, इस वाले से करो प्यार बेटा। पैसा बोलता है। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम खुश हैं या नहीं। भगवान के लिए चुप रहो। तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, ब्लडी डफर इडियट। इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते। बोलो कैसा लिखा बता। टेल मी। This movie made me so sad because there are still parents like Ishan's father. Are you out of your bloody mind? Bloody nonsense. Idiots. देखो कैसे घूर रहा है. No bloody regret on his face. वहाँ बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे। एक बच्चा जिसे एक डिसेबिलिटी है यार। The letters are dancing. Loud and proper. ऑलरेडी नॉर्मल लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इतना सफर करता है वो बेचारा, बिना ये समझे कि कोई शायद दिक्कत विक्कत हो सकती है अपने बच्चे के साथ। दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? हाउ दिस मॉडर्न पेरेंट हैंडल इट। ऊपर देखो मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा नहीं हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। लेकिन पापा। शट अप यू हॉर्न इडियट। और जब इतने टॉर्चर से भी बात नहीं बनी, I'm knowing, I'm trying, really see, ABCD, Alumino, XYZ, really देखो मामा, लेकिन बोर्डिंग स्कूल ले जा रहा हूँ ये मामा। 3 days later. और यार बहुत रुलाया यार इस गाने ने हमको, बहुत ज्यादा। तुझे सब है पता। जहाँ बेचारा फियर एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, जहाँ इसके टीचर्स भी कुछ खास हेल्पफुल नहीं थे इसके साथ। एंड देन आमिर खान कम्स अलोंग एंड ही सीज व्हाट ही इज स्ट्रगलिंग थ्रू। ये ईशान का चक्कर क्या है, कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। ही गोज टू ईशान्स पेरेंट्स और जब उससे पूछता है आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो ये बंदा ये जवाब देता है, उसका रवैया और क्या, पढ़ाई की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के।
ऐसे ना लोग होते हैं बंद दिमाग वाले, जिनको कुछ समझना ही नहीं है, चाहते ही नहीं समझना। वो सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, खोलना ही नहीं दिमाग को भाई बिल्कुल भी। तो फिर आप भी बताइए। वैसे इसका भी देखा जाए तो कंसर्न एज अ पेरेंट अपनी जगह ठीक है। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। बट नथिंग कैन चेंज द फैक्ट दैट अजीब आदमी है। जब आपके घर में मेहमान आए, डोंट ऑफर देम वाटर, जस्ट मेक देम क्राई। हार्डर, काम योर डैडी। हाँ, पानी मिलेगा प्लीज। ये 90s के टाइम की एक नंबर मूवी है जिसे कोई नहीं भुला सकता। साला वही हाथ रखता है जहाँ मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। रंजीत एंड हरबंश वर सो मीन, ये अपने बच्चों की खुशियों के नाम पे आस पास के लोगों की मारते फिरते हैं। अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? हसन के जाओ। और पता नहीं भाई इस रंजीत को किस चीज का इतना घमंड है, इतना कास्टिज्म। गरीब कहीं का छुआ नहीं, हाथ लगाया तूने। अरे जल्दी से पानी निकालो, डिटॉल निकालो। अब जरा एक बार हरबंश का भी घमंड चेक कर लो तुम। जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देख कर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा। God bless you, Mr. Hrabansa. They both are friends and also the bad boys of the movie. पहले भी काला था और आज भी काला है। So they decide to marry their kids. अरे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। गले लग जा। No. बट दे गेट टू नो दैट अजय लव्स काजोल हु इज पुअर। ये भतीजा झोपड़पट्टी में रहती है क्या? एंड मधु लव्स राजा हु इज ऑल्सो पुअर। अब आरियल सांड की तरह फू फू क्या कर रहा है? अरे जा अपनी बेटी और दामाद के साथ फोटो खिंचवा गंजे। अब चलो ये तो हो गया मजाक, अब आती है इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग। तू देख अब मैं इनसे कैसे खेलता हूँ। सो हियर कम्स द पहली चाल। अब इस गिराज को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम केबिन में आकर अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुगनी कीमत देकर यह गिराज खरीद लिया है। नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? एंड देन कम्स वर्ल्ड फेमस चाल ऑफ अमीर बाप्स, जो आज तक हमारे साथ तो कभी हुआ ही नहीं भाई। इस कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रख, तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। 12 seconds later एंड देन द चाल रिटर्न्स। और इन दस्तखत के मुताबिक तुम और मधु कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। पर मधु आगे कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देती है भाई। सो द बॉटम लाइन वॉज कि उनको गरीबों से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। बट आई लाइक दिस। बट देयर किड्स एंड अप मैरिंग अ गरीब। कल कोर्ट में जाकर वो चारों शादी करने वाले हैं। इसी खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ भाई साहब। वो मीठा कीजिए ना वो मीठा। अरे कीजिए ना। ये कैसी लाइफ जी रहे हैं हम? सांस लेने तक को अलाउड नहीं है हमें। अपने जैसे लड़के से हमारा निकाह करा देंगे हमसे पूछे बिना। जैसी तुम्हारी जिंदगी थी वैसी हमारी हो जाएगी। इसका पापा बहुत ही ज्यादा वाला स्ट्रिक्ट पेरेंट दिखाया है। और अफसोस की बात तो ये है कि आज भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं। अम्मी हम चाहते कि सारा वर्ल्ड हमारी आवाज सुने, पूरी दुनिया को पता हो कि हम बेस्ट सिंगर है। बंदी को पैशन होता है गाना गाने का, रादर देन सपोर्टिंग हिज डॉटर हु वाज सच एन अमेजिंग सिंगर, व्हाट ही डिड वाज He was a total fuck all toxic parent. तुम एक काम करो, ये लैपटॉप ले लो और उठा के बाहर फेंक दो। Also, he was a toxic husband. आंख पर क्या हुआ? कुछ नहीं। पापा। नमक भूल जाती हो, पैकिंग भूल जाती हो, क्या याद क्या रहता है तुम्हें? तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। Sorry. Relax, भाई साहब, relax. एक बार और गिटार बोला ना तो पब्लिक में ऐसा तमाचा मारूंगा कि जिसका कोई आइडिया नहीं। और देखो यार, मार पिटाई तो हर बच्चा खाता है यार अपने माँ बाप से। मैंने खुद बहुत मार खाई है यार। बच्ची ये जाने दीजिए। सॉरी बोल के एहसान कर रही हो? सॉरी, जाने दीजिए। पर एक ना लाइन होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है ना तो अपने को भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ से अब्यूज शुरू हो गया है। बेचारी बंदी अपने बाप के चक्कर में अपनी वीडियोस में अपना नाम भी नहीं बताती थी, छुप के वीडियोस बनाती थी। मेरा नाम, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। फिर वंस अगेन आता है बच्चों का मसीहा, द देवता। ये बबल देख रही हो, एक के बाद एक ऊपर आ रहे हैं। तो टैलेंटेड बच्चे ऐसे ही होते, वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
बंदी फाइनली सिंगर भी बन जाती है, सब कुछ सेट हो जाता है, बहुत बढ़िया सिनेरियो हो जाता है और उसकी मम्मी और वो उसके पापा को छोड़ के कट लेते हैं। शोहर हूँ तुम्हारा, तो मेरी परमिशन के बिना यहाँ से हिल नहीं सकती। तो इसमें लिखा है कि अगर मैंने आपकी पुलिस में कम्प्लेन कर दी तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। बच्चे तो आपके हाथ से जाएंगे, चाल आपका घर भी मुझे मिले। अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपकी रिगार्ड वाली नौकरी जाएगी और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों ले रहे हैं रिस्क, यहाँ से चले जाएं और हमें हमारे हाल पे छोड़। यू आर एक्सपेल्ड, डिसमिस्ड ऑल ऑफ यू। मतलब ठीक है यार, बच्चे को एक्सपेल किया है स्कूल से, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका इतना भारी बक्सा पकड़ने में हेल्प भी नहीं करवाओगे। बाप ने कभी उसको बताया भी नहीं होता कि उसने दूसरी शादी भी की थी। हम दूसरी शादी कर लिया था, जला नहीं, चला डो। He wanted, जो मैं बोलूंगा वही मेरा बेटा करेगा। क्योंकि मुझे राइटर बनना है। क्या लिखोगे? पोएम्स, नॉवेल्स, कहानियां या फिर जोक्स? सब कुछ। कुछ नहीं लिखेगा ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। जैसे अर्जुन हमको सर कहकर बुलाता है, तुम भी हमको सर कहकर बुलाओगे। मतलब कौन सा बाप अपने बच्चे को कहता है कि मुझे सर बुलाओ यार। लड़का नहीं लड़की हो तुम। अब ऐसा कौन सा बाप बोलता है यार। नहीं, इतना में नहीं। और उसको वो इतना सुना रहा है क्यों? जस्ट बिकॉज उसने अभी तक सेक्स नहीं किया। नहीं, आप सो जाइए। नीचे लगा। क्या करेगा? उस बंदे ने ये भी नहीं बताया होता अभी तक कि उसका दूसरी शादी से एक बच्चा भी होता है। नाम क्या तेरा? अर्जुन। अपने छोटे बेटे को सीढ़ियों से भी गिरा देता है और उस बेचारे को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। सीढ़ी से गिर गया। कैसे? हमको क्या मालूम कैसे गिर गया बस। और यार सबसे कैड़ा सीन तो ये है यार, इस सीन को देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई अंदर दिल से। घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी शादी से खुश नहीं है। अच्छा, आप शादी कर रहे हो, आपकी बड़ास कहीं और निकलेगी और अर्जुन को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और यार ये स्माइल देख रहे हो लौंडे की, ये फ्रीडम की मुस्कान है। फिर उसको रियलाइज होता है अपने छोटे भाई को तो मैं उस गंदे आदमी के पास छोड़ आया। आ जाएंगे, तुम हमारे साथ जाओ। Now that's a happy ending. उसे फैमिली चाहिए, चिड़ियाघर नहीं। उसे फ्यूचर चाहिए जो मैं उसे दूंगा और किसी भी हालत में दूंगा। अगर तुम भी किसी टॉक्सिक इंसान के कांटेक्ट में हो तो मेरी मानो वहाँ से ना कट लो और बहुत तेज भागो बिना पीछे देखे। क्या सड़े हुए बैगन की तरह मुंह लटका खड़े हो? अरे क्या पेपर पढ़ रहे हैं आप? बाकी तो सब चिल है यार, मेरा क्या, कुछ भी करो बट डोंट हर्ट अदर्स मैन। आज के बाद कोई घर पे कंप्लेंट लेके आया ईशान? तुम्हें हंस रहा है, बेशरम, शेमलेस।